आप जानते ही हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ हैं और ओवैसी साहब हमारे साथ हैं, एआईएम आईएम के अध्यक्ष हैं और अपने कड़े शब्दों के लिए जाने जाते हैं वो, इसीलिए हमने सबसे पहले फूल दे दिए उनको ताकि ये जो सेशन है ये थोड़ा मुलायम रहे। तो मैं बातचीत की शुरुआत करता हूँ डॉक्टर स्वामी, आपसे जानना चाहता हूँ, आप सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, पहला सवाल जो इस वक्त हर किसी के मन में है वो ये है, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के नतीजे आए हैं और बिहार से जो नतीजे आए और इस समय जो अलाइज विड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं इस घटना से इसको गंभीरता से नहीं लेता हूं जी, क्योंकि आप मीडिया का रिएक्शन देखेंगे जब केजरीवाल जीता था जी, और वो कोई साधारण जीत नहीं थे, 70 में 68 सीट उनको मिली थी और या बीच में कहीं ऐसे असेंबली इलेक्शंस में हुए, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जीते तो सारा भारत का नक्शा दिखाया गया हमारी टेलीविजन में कि सैफरन रंग में कैसा बढ़ रही है। हमारे कार्यकर्ता और हमारी जो वोटर्स हैं, जो 31% वोट मिली हमें पिछले बार, वो कोई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर नहीं मिली और या इकोनॉमिक प्रोग्राम जो हमने दिया उस पर नहीं, ज़्यादातर दो विषयों पर हमारी वोट जमी, एक हिंदुत्व पर और दूसरा भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हमारी अभियान, और वो कभी कायम है। और जब आम चुनाव आएगी तो और सरकार कौन दिल्ली में बनाएंगे और स्थिर कौन बनाएंगे, इसमें हमारी जीत होगी। और मैं समझता हूँ अभी जो बाकी टाइम है, जो हमारे संगठन में कमियाँ आई उसको दूर करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं ओवैसी साहब के पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपने जो हिंदुत्व की बात कही जी, हिंदुत्व का इतना बड़ा एजेंडा आप फॉलो कर रहे हैं उसके बावजूद गोरखपुर में आपकी हार, इसका क्या कारण देखते हैं आप? वो भी हिंदुत्व के कारण ही, वो उसमें मैं और गहरा में नहीं जा सकता जी। उसमें जो कैंडिडेट्स चुने गए थे वो हमारे मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार नहीं था, इसलिए हार और भी। पब्लिक हाँ, वैसे उन्होंने तो अभियान किया, वो अभियान में गए, प्रचार किया, लेकिन वहाँ के पब्लिक उस बात को समझ ली थी जी, इसीलिए। अब ओवैसी साहब के पास आते हैं। ओवैसी साहब, माहौल इस वक्त ऐसा है कि इस पे थोड़ा बोलूं मैं? जी जी हाँ जरूर। देखिए स्वामी साहब बड़ी चालाकी से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को बचा लिए। वो जो वर्डिक्ट आया दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की थी। बीजेपी में कब से ये बात पैदा हो गई, ये तो कांग्रेस के जरासीम है, ये दूसरे पार्टी के कैंडिडेट नहीं मिला तो मैं हरा दूंगा। तो स्वामी साहब ने इंडायरेक्टली ये कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उस कैंडिडेट को हरा दिया, नहीं नहीं, क्योंकि उनके पसंद का कैंडिडेट नहीं मिला, यही बात उन्होंने कही। ठीक है, तो परसेप्शन तो वही गया। तो अब ये बीजेपी में जरासीम कब से पैदा हो गए कि मेरे पसंद का कैंडिडेट नहीं रहा तो मैं हरा दूंगा? बात यह है कि एक साल की हुकूमत में वहां के लोग उनसे इतना तंग आ चुके हैं कि उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उनके खिलाफ वोट दिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और खुद चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को इससे सबक हासिल करना है कि यही हिंदुत्व पॉलिटिक्स गवर्नेंस नहीं है। चीफ मिनिस्टर अगर जिस तरह से गवर्नेंस किए उसका नतीजा आया और ये बात फैलेगी। आपने रीजनल पार्टीज के बारे में पूछा, स्वामी साहब कुछ नहीं कह रहे हैं। रीजनल पार्टीज तेलुगु देशम छोड़ चुकी है, शिवसेना स्वामी साहब की बहुत इज्जत करती, वो भी अब नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने तैयार नहीं है। अकाली दल वो भी नाराज है। तो ये इसलिए हो रहा है कि एनडीए में सिर्फ एक ही आदमी की चलती है, वो है प्राइम मिनिस्टर, वो कंसेंसस पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते, इसीलिए तमाम एलाइज निकल रहे हैं। और देखिए छोड़ते ही दूसरे दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन वो दे रहे हैं। तो इससे ये बात मालूम हो रही है कि बीजेपी कंसेंसस पॉलिटिक्स को नहीं मानती, सिर्फ वन मैन शो चलाना चाहती है। और स्वामी साहब अभी भी मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि नहीं मैं भी हीरो हूं, वो हीरो नहीं है, जीरो कर दिए गए हैं। डॉक्टर स्वामी आप इस बात को, इसीलिए मैं इनकी बात सुनता नहीं। डॉक्टर स्वामी आप ये बात मानेंगे कि जब से ये सरकार बनी है इस वक्त का जो
वक्त है, ये अभी तक का सबसे खराब पीरियड है इस सरकार का? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। सबसे खराब था जब बिहार हारे, अच्छा, और दिल्ली हारे एक ही साथ, और वो भी यानी एक साल के बाद ऐसा कुछ था। और मैं ये कहता हूँ कि शिवसेना तो कभी नहीं छोड़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ। परंतु शिवसेना दुखी है कई बातों पर, इसमें भी मैं कहूँगा उसको दुरुस्त किया जा सकता है। जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू छोड़ने की, पिछले चार साल में मैं कम से कम 12-13 टाइम्स में गया हूँ आंध्र प्रदेश। हमारे कार्यकर्ता शुरू से कह रहे थे कि इस गठबंधन को तोड़ो, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की जो स्टाइल है वो परिणाम आने के बाद वो कभी किसी और पार्टी की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही जगह है, तो चाहते हैं कि किसी और की जड़ ना बने। तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत दुखी थे, और आज आप जाएंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भेजेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि बड़ी उत्साह है हमारी पार्टीज में कार्यकर्ताओं में। अब वोट की कैसी ट्रांसफर होगी वो तो अलग बात है, परंतु जहाँ तक पार्टी है वो हमारे कार्यकर्ता तो बहुत सुखी हैं कि, और अब जोश से काम करेंगे। और बीजेपी का तो जब कार्यकर्ता नहीं काम करेगा तो कितना भी इंडिया शाइनिंग होगा हम हार जाएंगे, परंतु जब कार्यकर्ता जोश में है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जहाँ तक आंध्रा है उसमें हम ज़्यादा नहीं समझते, और कोई जाए तो एक दो MPs की पार्टीज हैं उससे हमारी नुकसान बड़ी नहीं होगी। और मैं भी समझता हूँ कि आज हमें जो हमारी जो मूल सिद्धांत है उसको फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। जी, अब आज हम जो बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब आपसे, वो ये है, आप तो विदेश से पढ़े हुए हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और हम दो धुरियों की बात कर रहे हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और पोलराइजेशन हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मंच पर एक नेता है जो हिंदुओं की राजनीति करते हैं, दूसरे नेता हैं जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चुनाव के प्रचार के दौरान आप मजहब का इस्तेमाल मत कीजिए, जाति का इस्तेमाल मत कीजिए, नाम मत लीजिए। तो वो दिन हमारे देश की राजनीति में कब आएगा जब हिंदू जो है वो मुसलमान कैंडिडेट को वोट देना शुरू कर देंगे, और मुसलमान जहां हैं मेजॉरिटी में वहां से कोई हिंदू जीत जाएगा? ये कभी नहीं होने वाला है, ये हल ये तल्ख हकीकत आपको बयान, जब तक आप हैं। नहीं, मैं नहीं हूं नहीं, सुनिए, आपकी बात अगर सच हो सकती थी उस वक्त, अगर आप देखेंगे ये 16वीं लोकसभा है, हाईएस्ट मुसलमान कब जीत कर आया 1980 में, जब स्वामी साहब सेकुलर थे, 48 जीत 45 48। अब कितने हैं? अब 23 हैं, 4% है। और जितने भी जीत कर आए हैं वो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं जहां पर मुसलमान वोटर लिस्ट में 30% है। तो बीजेपी में अगर 280 MP हैं, एक मुसलमान क्यों नहीं जीत पाता? बीजेपी तो बहुत दावे करती है ना, मिस्टर मोदी तो अब तो सूफी शेख भी हैं चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, वो इतना उनको ज्ञान हो चुका है इस्लाम का। एक मुस्लिम MP नहीं है, गुजरात में इलेक्शन हुआ एक मुस्लिम MLA नहीं है, तो फिर ये क्यों नहीं जीत पा रहे? जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आप फेल हो जाते हैं, तो यही देखना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं होने वाला है। कांग्रेस भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व की बात करती है कांग्रेस, और कोई भी ये नहीं चाहता कि माइनॉरिटीज या मुसलमान का नाम लिया जाए। मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है वो एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बना रहे हैं, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, हमारी सोशल डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जरूर है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इतना खराब है, मैं बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि अगर स्वामी साहब मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर कहेंगे कि हिंदुत्व के लिए OAC को हराओ तो करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगा, और अगर मैं ये कहूंगा कि स्वामी साहब क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं उनको हराओ तो मुझ पर करप्ट प्रैक्टिस का केस बुक हो जाएगा, ये जजमेंट इतना खराब है। तो ये तो हमेशा से होता आ रहा है, कहां जीत पाए? मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा गया था कि आप नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ी है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं क्यों मुझे दे रहे हैं, यहां पर मुसलमान ज्यादा है। आप बताइए कौन सी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर मुसलमान 10% है और वहां से MP जीत के, सिर्फ एक ही है, वो है AIADMK का, वो भी इसलिए कि तमिलनाडु है। तो ये तो इन पार्टीज को सोचना पड़ेगा, ये मेरा सवाल नहीं है,
मैं कोई सत्ता में आने वाला ही ना कभी आऊंगा मैं, मगर मेरा मकसद क्या है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में जब तक हर तबके को नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, राजपूत हैं कितने राजपूत लोकसभा में देख लीजिए आप, ब्राह्मण का पॉपुलेशन कितना, कितने ब्राह्मण है वहां पर देख लीजिए, बढ़कर है, पॉपुलेशन से डबल है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि उनके पास सोशल डोमिनेशन है और पार्टीज चाहती भी है इसी तरह से। तो ये असल हमारी डेमोक्रेसी जो है ना, ये मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बन चुकी है। और ये सवाल बार बार मुझसे किया जाता है, अरे जी, अरे भाई आप जिताइए ना, चलिए मैं खराब हूं, शाहनवाज को नहीं जिता सके आप, कहीं पर भी नहीं। तो ये हकीकत है, मैं रहूं या मैं तो चले जाऊंगा, आज नहीं रहूंगा, मगर आप मेरी बात को याद रखना, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। पार्टी स्थिरिटी नहीं देते तो कहां जीत पाएंगे। डॉक्टर स्वामी, इस बीजेपी कंफ्यूज, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री आजकल इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, जॉर्डन के किंग के साथ मंच पर आते हैं, इनको नहीं बुलाते, और इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं, वहां बड़े बड़े सम्मान ले रहे हैं वो, और जब यहां आते हैं तो बीजेपी एक मुसलमान को टिकट नहीं देती। देखिए, पहले मैं ये कहूंगा कि हमारी गलती रही कि हमने मुसलमान मर्दों को ही टिकट दी थी अभी तक, अब आगे से हम मुसलमान महिलाओं को देंगे, वो जीतेंगे, क्योंकि ट्रिपल तलाक की जो हमने अबॉलिशन की, इसमें हमने यूपी के असेंबली इलेक्शन में देखा कि महिला बड़े संख्या में आकर हमें वोट दिया है। और मैंने ये भी देखा कि शिया, बोरा, खोजा ऐसे लोग मुसलमान जो हैं वो भी, और अहमदिया को हम मुसलमान मानते हैं, बाकी मानते नहीं कि मैं नहीं जानता, बट वो भी हमें वोट दे रहे हैं। तो रह गया एक छोटा सा हिस्सा सुन्नी मुसलमान का, उसके बिना हम फिर भी सरकार बना सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि मुसलमान और हिंदू एक ही हैं, उनका डीएनए स्टडीज के अनुसार सबका पूर्वज हिंदू है, ये मानते नहीं हैं, परंतु मैं मानता हूँ, और इसीलिए मुझे कभी इससे नफरत नहीं होता है, मैं कभी ना कभी ये रास्ते पर आएंगे ऐसा विश्वास करता हूँ। ओवैसी साहब, लेकिन ये रहेगा वोट बैंक ही, मुसलमान आज एक वोट बैंक ही है। मैंने अपनी पार्लियामेंट की 2014 की पहली स्पीच में नरेंद्र मोदी को एक ही मर्तबा मुबारकबाद दिया और फिर नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो मुस्लिम वोट बैंक का मिथ था उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि 1950 से सिर्फ हिंदू वोट बैंक ही रहा है। अगर मुस्लिम वोट बैंक होता तो फिर ये सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी, एनएसएसओ गटर सब झूठ तो नहीं बोलते ना। तो ये हमेशा हमको सिर्फ ये कहकर बहलाया गया कि आपका वोट बैंक है। अरे भाई कहां वोट बैंक है हमारा? अगर हमारा वोट बैंक होता तो हम हर चीज में आगे होते। तो मुसलमानों से उनको धोखा दिया गया वोट बैंक के नाम पर, मगर नरेंद्र मोदी ने उस बात को दोबारा साबित कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक एक मिथ है, हिंदू वोट बैंक सच्चाई है। जी, अब जो आपके जैसी जो पार्टियां हैं या आपके जैसे जो नेता हैं जो कि मुसलमानों के नेता हैं, अब आपका मकसद क्या है? आपका मकसद उस वोट बैंक को दोबारा कंसोलिडेट करके बड़े नेता बनने का है, या आपका मकसद यह है कि उस कम्युनिटी के बारे में आप सोचो और उसको मुख्य धारा में आप ले आओ? नहीं, यकीनन मेरा मानना यह है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किसी कम्युनिटी का नहीं होगा उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और आप पार्लियामेंट में 540 में अगर आप 23 मुसलमान रखेंगे तो फिर कौन सा आप डेवलपमेंट की बात करेंगे? ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल हो रहा है, पूरे सेकुलर पार्टीज उसके खिलाफ है मगर कोई बोलने तैयार नहीं है। लोकसभा में मैंने कई मुस्लिम एमपी जाकर उनको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 14-15 के खिलाफ है, तो सब ने कहा कि ओएसी तुम्हारी तकरीर सुनने बैठे हम लोग। अरे मतलब मेरी तकरीर क्या करेंगे, मैं तो कोई गाने वाला नहीं हूं, आप बोलिए। नहीं बोले, अब बाहर निकलकर सब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से ही आप जो बात कर रहे हैं ना कि मुख्य धारा बोलिए मेन स्ट्रीम में, हम तो मेन स्ट्रीम में है मगर जितने पार्टीज पावर में रहे हैं उन्होंने इंसाफ नहीं किया। इसमें दोनों है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, दोनों ने इंसाफ नहीं किया। किसी ने हमको इफ्तार पार्टी देकर खुश कर दिया, किसी ने ख्वाजा अजमेरी के उर्स में फूल भिजाकर खुश कर दिया, किसी ने मोदी ने सूफी कॉन्फ्रेंस करके खुश कर दिया। अरे भाई आप ये चीजें नहीं है, आप क्यों नहीं देते मुसलमानों को या माइनॉरिटीज को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप? दीजिए, आप देने तैयार नहीं है। बीजेपी जाट और गुज्जर को रिजर्वेशन देने तैयार है, मुसलमान को देने तैयार नहीं है क्योंकि रिलीजन बीच में आता। तो यही चीजें हैं जो
ये नेक नीयत नहीं है और ये नहीं चाहते कि मुसलमान मुख्यधारा में आए, उनको जस्टिस मिले, उनको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले। जी जहां तक नहीं, इनका तो एक प्रशंसा मैं जरूर करूंगा, उससे कहीं आपका नाम ना खराब हो जाए मेरी प्रशंसा से, परंतु मैं समझता हूँ ये आपकी प्रशंसा से इनके समर्थक नाराज हो सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। तो नहीं, आप सच्चाई बोलिए। नहीं, ये तो पढ़े लिखे हैं जी और दिल में साफ है, जो बोलते हैं करते हैं, देश के बाहर भारत का डट के समर्थन करते हैं, यानी ये मेरा पर्सनल नॉलेज में है, तो इसको मैं राष्ट्रवादी नहीं मानता हूँ परंतु देशभक्त मानता हूँ। फर्क यह है कि ये नहीं मानता अभी तक कि ये इनका पूर्वज हिंदू है, वो जिस दिन मान लेगा तो हमारे परिवार का हिस्सा हो जाएंगे, परंतु वो फिर भी इनकी योग्यता, इनकी जो है, इनको पार्लियामेंट होने से पार्लियामेंट की रौनक बढ़ती है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि जो लोग इस देश में राज की है उनको कतई रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, और ब्राह्मण गरीब हैं बहुत, आप उत्तर प्रदेश में जाइए कितना गरीब ब्राह्मण मिलेंगे, परंतु कभी रिजर्वेशन नहीं मांगेंगे, ना कोई गरीब क्षत्रिय मांगेगा। मैं ये इसीलिए कहता हूं कि जब मुसलमानों ने इस देश में 800 साल की राज की है, उनको रिजर्वेशन मांगने की क्या हक है? वो भी जैसे ब्राह्मण है कह सकते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, थोड़ा फीस में कटौती होनी चाहिए, इस प्रकार से, पर रिजर्वेशन हम कभी नहीं मान सकते। स्वामी साहब, आप एक बात बताइए, क्या ब्राह्मण और क्षत्रिया का सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में? अगर कोई ब्राह्मण आ गया तो हर दूसरा उसके पैर छूने चले आता, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? यहां सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर हम कह रहे हैं रिजर्वेशन मिलता है, और उसका प्रोविजन किया गया आर्टिकल 15 और 16 में, और एम्पिरिकल डेटा भी है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक रियलिटी है हिंदुस्तान की, और 2000 साल से दलितों पर जुल्म हो रहा है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया गया, और करने वाले कौन है आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो रिजर्वेशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर और एम्पिरिकल एविडेंस की बुनियाद पर हम कह रहे हैं। अगर आप देखिए 14% मुसलमान है, वो बैकवर्ड है, कैसा चीन से मुकाबला करेंगे हम, कैसा उठाएंगे? अगर 100 में से सिर्फ एक ग्रेजुएट है, आप स्कूल नहीं खोलते, आप पुलिस स्टेशन खोल देते मेरी लोकैलिटी में, मैं दवाखाने खोलने की बात करता हूं तो आप शराब खाना खोल देते वहां पर, तो आप ये तो गवर्नमेंट को खोलना चाहिए ना। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक रियलिटी इंडिया में, इसके खात्मे के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे फोर फादर्स ने ये प्रोविजन रखा कि आर्टिकल 15 और 16 के तहत आप रिजर्वेशन दीजिए ताकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सके। नहीं, इसको आप डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मत कहिए, इसको कहिए अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, आप आपकी बात मानता हूं, दे दीजिए मगर। हाँ, मैं तो नौकरी में तो कभी नहीं मानूंगा, कॉलेज एडमिशंस के लिए कभी नहीं मानूंगा, लेकिन जो अभी ये कह रहे हैं कि मुझे औषधि लिया यानी फार्मेसी या क्या दवा खाना ये खोले, और मुझे यूनिवर्सिटीज इतने खोलें कि मैं कंपटीशन में आ सकता हूं, या कंपटीशन में मेरे लिए कुछ दुर्बलता है तो इसके लिए स्कॉलरशिप या ट्यूशन इसकी व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ों को अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, जैसे अमेरिका में भी अफर्मेटिव एक्शन होती है। और मैं ये नहीं मानता हूं कि मुसलमान और हिंदू में कोई एक शारीरिक फर्क है, या इसकी मिट्टी के साथ जो रिश्ता है उसमें कोई फर्क है। इतिहास में लोगों ने हमें बांट दिया, वहाँ तो तमिलनाडु में द्राविड़ के नाम में उन्होंने अलगपन पैदा करने की कोशिश की, जब द्राविड़ शब्द संस्कृत से आती है, जहाँ तीन तट जुड़ते हैं त्रविद, उसको द्राविड़ कहते हैं, तो इसको अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया। तो अंग्रेजों के इतिहास से कई चीज़ों में गलतफहमी हुई है, और कांग्रेस के जमाने में जो तुष्टिकरण हुई, हमें कैलाश मानसरोवर जाने के लिए सब्सिडी नहीं मिलती थी, पर तो आपको हज के लिए मिलती थी। आप गलत कह रहे हैं, मिलती है आपको, अभी भी मिल रही है आपको। मैं बता रहा हूं कि उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल, आपको इतने स्टेट्स में सबको सब्सिडी मिलती है। ये तो हम लोग आने के बाद, नहीं नहीं पहले से मिल रही है, आपने उसको बढ़ा दिया। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी ने आने के बाद अखिलेश 1000 रुपये देता था, योगी ने उसको और बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया, तो ये आपको सब्सिडी मिल रही है।
ये मत कहिए कि सब्सिडी आप बंद हमको बंद करके, वो नहीं है। और मेरे नाम पे सब्सिडी एयर इंडिया को दे रहे थे स्वामी साहब। आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा कि आप सिविलाइजेशन की बात करते, यही तो आप में और मुझे फर्क है। आप ये कहते हैं कि इंडिया में एक ही हिंदू सिविलाइजेशन रहा, नहीं सर, हिंदुस्तान में मिलियन सिविलाइजेशन रहे और वो मिलियन सिविलाइजेशन से आप और हम निकले हैं। आप 12,000 साल पहले का कुछ करने वाले हैं, करिए, कुछ नहीं निकलेगा। अगर मैं आपके घर के नीचे खोदूं 400 मीटर तो खाने जहां कहां का उसमें महल निकल जाएगा, तो उसमें क्या? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, हिंदुस्तान में ये मिलियंस ऑफ सिविलाइजेशन है। प्रॉब्लम मुझ में और स्वामी साहब में है कि कहते हैं कि नहीं सबके सब हिंदू सिविलाइजेशन निकले, तो फिर बौद्ध मजहब को क्या कहेंगे? अरे हिंदुस्तान में कहां कहां से लोग आए, किधर किधर से आके बसे? तो ये आर्यंस और ड्रेविडियन की थ्योरी सही है, आप डिबेट करिए उस पर, अलग बात है। आप नहीं मानते, मैं इज्जत करता हूं, कभी भी कर दीजिए। आर्यन ड्रेविडियन थ्योरी कंप्लीट बोगस है और अंग्रेजों की बनाई हुई थ्योरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो इन्होंने खुदाई की बात की उससे मुझे राम मंदिर याद आया। अब राम मंदिर के नीचे खुदाई हुई, उसमें क्या निकला, कौन से सदी का मंदिर निकला, उसके कौन कौन से स्तंभ निकले, अब रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अब आप क्योंकि राम मंदिर का जो कॉज है उसके चैंपियन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप गए हैं जी। राम मंदिर का जो इशू है, राम मंदिर अगर बन भी गया या बाबरी मस्जिद वापस आ भी गई, तो एक हिंदू को या एक मुसलमान को क्या मिलने वाला है? ये स्कॉलरशिप मांग रहे हैं, रिजर्वेशन मांग रहे हैं, क्या ये मिलेगा? नहीं, पहले तो हिंदू को क्या मिलेगा, तो फिर चिंता ही नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं, ये सारी जो लोग कह रहे हैं वोट के लिए कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इसका अर्थ है हिंदू की आस्था है, पर आप मुसलमान के लिए आप वोट के लिए कर रहे हैं कि आस्था के लिए? मैं तो आस्था के लिए कर रहा हूं और उसका इस्तेमाल वोट के लिए हो रहा है। मैं क्या करूं, उसके बाय प्रोडक्ट है, हमें वोट भी मिल जाए तो मैं वोट बाय प्रोडक्ट है। हाँ, वो यानी इसीलिए नहीं करूं कि मुझे वोट मिल जाएगा, इसीलिए मैं नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं है जी। कई चीजें हैं जहां मैं कहता हूं कि ब्राह्मण कभी पैदा नहीं होता, ब्राह्मण वो अपने कर्मों से बनता है, और ये कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है। अब लोग दुनिया यानी बुचर खाना भी चलाते हैं, कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा एक मुझे व्यक्ति पता है, उसका नाम नहीं लूँगा। तो ये भी कभी जन्म से जुड़ा हुआ नहीं था, नहीं तो विश्वामित्र सभी सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च ऋषि थे, वो क्षत्रिय घर में पैदा हुए, वाल्मीकि तो दलित घर में पैदा हुए, रावण ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, परंतु उसकी एक क्षत्रिय ने वध की, परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे ब्राह्मण को राम ने वध किया है। तो ये सारी चीज़ें आई हैं इस पिछले 1000 साल 1200 साल में, जो विकृति आई है उसको हटाना है। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ हमारी हिंदू राष्ट्र है, हमारी देश हिंदुस्तान है, उसमें हिंदू हैं या जो जिनका पूर्वज हिंदू है उसको हिंदुस्तान में कहता हूं। और यदि ये सारे मान ले, नहीं मानेंगे तो मेरे साथ हैदराबाद में एक बहुत फेमस माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, मैं और आप दोनों जाएंगे और अपना डीएनए टेस्ट कराएंगे और सिद्ध कर देंगे कि मैं और आप एक ही परिवार के हैं जी। ओवैसी साहब, अररिया में बाई इलेक्शन हुआ, बीजेपी हार गई, आरजेडी जीत गई, मोहम्मद तस्लिमुद्दीन साहब के जो बेटे हैं वो जीत गए। अब जब वो जीते तो जश्न जब मन रहा था तो उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारे लग रहे थे। ये क्यों मान लिया जाता है कि जब कोई मुसलमान जीतेगा तो पाकिस्तान जीत गया और अगर हिंदू हार गया तो हिंदुस्तान हार गया? नहीं सुधीर चौधरी साहब, अगर इस तरह की बात कही गई है तो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए और लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जेएनयू में एक वीडियो निकला था, भारत तेरे टुकड़े, कहां गए पकड़ने वाले? एक को भी नहीं पकड़ सके, क्यों नहीं पकड़ा गया भाई? सरकार 56 इंच की सरकार है, एक को भी नहीं पकड़ सके। तीसरा, जो अरारिया में जो पकड़ा था फिर उसको कोर्ट ने बेल दे दी? नहीं, वो नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद नहीं 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 हीरो बन गया? नहीं नहीं नहीं, बेल तो उसका राइट है, उसने नहीं कहा था। ये जो कहने वाले, जो कहा गया था कि कश्मीर से हैं, कहां गए भाई? वो आसमान उनको निगल लिया या जमीन खा गई उनको, वो तो मिले ही नहीं। इस वीडियो के बारे में भी पूरी जांच होनी चाहिए, और वहां पर तो बीजेपी की सरकार है, वो करा ले उसका डीएनए या जो भी है लैब से, फॉरेंसिक लैब से मालूम हो जाएगा कि उसमें अगर ऐड किया गया नहीं किया गया। मगर क्या गिरिराज का बयान सही है
कि एक यूनियन मिनिस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन पर रोत लिया क्योंकि एक मुसलमान जीत गया आरजेडी पार्टी का, तो कहा कि वहां पर आतंकवादी सरगर्मियों में इजाफा हो जाएगा। फिर आप ये कैसी बात कह रहे हैं? सरकार तो आपकी है दोनों तरफ, आप क्यों नहीं रोकते आतंकवाद, पकड़ते क्यों नहीं? क्योंकि आप पहले सवाल पर चले जाइए, वोट आपने पूछा था कि मुसलमान हिंदू को, आप देख लिए बाप कि यूनियन मिनिस्टर यह कह रहा है कि मुसलमान जीता तो टेररिज्म का इजाफा होगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो मेंटेलिटी है ना, जो प्रिवेलेंट है कि मुसलमान जीतेगा तो टेररिज्म में इजाफा होगा, यकीनन वो जो सीमांचल का हिस्सा है हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड हिस्सा है, अगर आपको एब्जेक्ट पॉवर्टी देखना है तो वहां पर चलिए कि पहनने को कपड़े नहीं है लोगों के पास, मैं देख चुका हूं, और वो उसको चिकन हेड बोलते। स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मगर कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता, हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर सबसे बैकवर्ड वहां पर है, उस पर सरकार तवज्जो नहीं देती। लालू की भी सरकार थी, नीतीश की भी है, बीजेपी, कुछ नहीं हुआ। तो यही तो हम कह रहे हैं कि जी मुसलमान जीता तो टेररिज्म का कैसा होगा इजाफा टेररिज्म में, आप क्यों शक करते हम पे? यही तो हम चाह रहे हैं कि शक करना छोड़िए और अपनी रोटी सेकना बंद करिए। नहीं, वो शक इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही होता है पीछे नारे लगने लगते हैं। नहीं सर, आप इंक्वायरी करवाइए और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, मैं आपको जिम्मेदारी से कहूंगा कि सच्चाई सामने आ जाएगी, और जिसने किया उनको अरेस्ट तो कर ली है, ठीक है, मालूम हो जाएगा। मगर जेएनयू में जो नारे लगाए थे वो कहां गए? पांच कश्मीरी लड़के अब तक नहीं पकड़े गए, वो जिसने जो नारे लगाए थे कहीं नहीं पकड़े गए, मगर मीडिया ने तो बहुत उछाल दिया उसको, मगर नतीजा क्या निकला? खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं निकला उसमें से। जी नहीं, इसमें मैं एक बात जोड़ूंगा कि ऐसे घटनाएं, अब पहले तो मैं कहता हूं हमारे मिनिस्टर ने ये नहीं कहा मुसलमान जीत गया इसलिए होगा। जी उन्होंने विशेष तौर पर उस इलाका का जो कैंडिडेट है उसके बारे कहा था, अब ये होगा तो उसमें कोई बुरा नहीं है कहने में, और हमारे इतनी बात उछल गई, पर आखिर में जो नारे लगे हैं और एक व्यक्ति के आरोप है, मैं नहीं जानता हूँ उस तथ्य क्या है, कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति उसने नरेंद्र मोदी की एक मूर्ति बनाई थी उसकी गला काट दिया। स्वामी साहब, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कीर्ति आजाद का ट्वीट पढ़िए, कीर्ति आजाद तो आपका शागिर्द है, आपकी सरपरस्ती हासिल है उसको। कीर्ति आजाद ने ट्वीट कर अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से कहा कि प्लीज इसको कम्युनल मत बनाइए, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। कीर्ति आजाद का ट्वीट है, कीर्ति आजाद खुद एमपी है उस इलाके का। स्वामी साहब, जब आपका शागिर्द, आपका शिशु ये कह रहा है तो कम से कम आप उसके उस्ताद हैं, आप उसके मास्टर हैं, आप तो मत कहिए गलत बात। नहीं, मैंने कहा मैं तथ्य नहीं जानता हूं, परंतु ऐसे घटनाएं के बारे जिक्र करना बड़ा डेंजरस है, और मैं ये कहता हूं कि हम लोगों को दोनों को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। मुझे यही है कि हिंदू मुस्लिम एकता देश से उस देश की शक्ति बढ़ेगी यदि दोनों एक हो जाएं, परंतु कहीं ना कहीं समझौता होनी पड़ेगी, आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी, और जो संविधान में लिखी है उसको मानना पड़ेगा। अब ये ट्रिपल तलाक में कहते हैं ये गैर का संविधान है, संविधान में लिखा है कि जो भी धर्म के या मजहब के प्रचार है या मान्यता है उसको नैतिकता के से उल्लंघन होगा या सार्वजनिक व्यवस्था से उल्लंघन होगा, पब्लिक ऑर्डर का डेंजर होगा या स्वास्थ्य के लिए खराब है, तो उसको गवर्नमेंट को अधिकार है उसको प्रतिबंध लगाने के लिए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने छुआछूत पर हमने एक स्पेशल आर्टिकल जोड़ा है, ये एक कानून नहीं बनी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हम मजहब में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार को अधिकार है हमारे संविधान के अनुसार, यदि ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, उसमें तीन बातों पर अच्छा नहीं है, माने नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ, ये तीनों चीज का उल्लंघन होगा तो हम हस्तक्षेप कर सरकार घुस सकती है। नहीं नहीं, नहीं स्वामी साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लाए दो कॉपी, लाए मेरे लिए भी एक लाए। सुनिए आर्टिकल 14-15 क्या है, राइट टू इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के परिणाम। सुनिए सुनिए सर, आर्टिकल 14 और 15, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, ये जो ट्रिपल तलाक का एक्ट है आपको नहीं मालूम बता रहा हूं, ये कहता है कि अगर किसी मुसलमान को इस एक्ट के तहत चार्ज किया जाएगा और कोर्ट उसको कन्विक्ट करेगा 3 साल सजा, और किसी नॉन मुस्लिम को डोमेस्टिक वायलेंस या 498 लेगा उसको 1 साल, क्या ये वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट का? सुनिए, आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है। दूसरी बात आप कहते हैं
कि आप कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मुझे आप जेल को भिजा देंगे, कोई जेल में बैठ के सब्सिडी अलाउंस देगा? आप खुद बोलिए। और फिर आप जेल में अगर 3 साल की सजा होगी तो मैरिज औरत पर जुल्म नहीं है कि मैरिज रहेगी उसमें? आप अच्छा लॉ नहीं है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है हमारे पास क्या? 498 आईपीसी नहीं है क्या? 125 सीआरपीसी नहीं है क्या? कोर्ट ने कहा था कि एक सिविल इस्लाम में मैरिज सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आप क्रिमिनल कर रहे हैं। और बर्डन ऑफ प्रूफ, स्वामी साहब आपको नहीं छोड़ूंगा यहां पर मैं। आप बताइए कि 2G का केस 50,000 करोड़ सीबीआई बोली, आपकी वजह से केस चला, एक को सजा नहीं हुई, और आप कह रहे हैं कि यह सरकार एक औरत को इंसाफ दिलाएगी? सीबीआई 50,000 करोड़ का इंसाफ नहीं कर सकी, आप दिलाएंगे स्वामी साहब? आप तो 2G को भूल गए, नहीं आप मोदी साहब से डर के 2G को भूल गए, खामोश हो गए। अब बताइए क्या है ये? आरोप लगाने में तो आप बहुत तेज हैं। आरोप नहीं है स्वामी साहब, हकायक बयान कर रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, 2G का अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अपील में जाएगा। मैं बता रहा हूं, जब मैंने लाइसेंसेस कैंसिल करवाई थी 2G की, तो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, आज के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मेरे याचिका। फिर मैं अपील में गया और वहां मैं सफल हो पाया। तो अभी एक छोटा सा कोर्ट, सबसे नीचे कोर्ट जो है, उसमें यहाँ वो बरी कर दी, तो इसके माने कि हाई कोर्ट में भी बरी हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता। हम तो छोड़ने वाले नहीं है। मारन भी चला गया, निकल गया मारन, तो मेरी नजर में कभी नहीं था, मैं वो 2G में था भी नहीं थे, उसको गलत से गलती से उसको 2G कोर्ट में पेश करके उनका किसने भलाई किया? हमारे पार्टी में भी दोस्त हैं उनके। अच्छा। उन्होंने भला किया होगा, कौन है सर? मैं नहीं बताऊंगा अभी, थोड़े दिन में पता लग जाएगा। परंतु तो मारन का तो दूसरी तो क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए था, 2G कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए था। मैं कहता हूं कि हमारी सरकार ने जितनी की है, कुछ भी आज का हो, एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए अपोजिशन। रोज कहते हैं राफेल का ऐसा हुआ वैसा, मेरे जैसे नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करके अरेस्ट होकर बेल लेकर श्योरिटी देकर और 50,000 रुपए का बॉन्ड भी देना पड़ा, आज बेल में निकले हुए हैं। तो ये इतना तो ये कर सकते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि ये राफेल में पटियाला हाउस में जाकर प्राइवेट कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करते? स्वामी साहब रोज बयान देते हैं। स्वामी साहब आप मेरे वकील बन जाइए, राफेल खुल जाएगा। आप अपने पूर्वज हिंदू मान लीजिए, मैं कर दूंगा आपका काम। स्वामी साहब मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि हमारा सिविलाइजेशन मिलियंस ऑफ सिविलाइजेशन की वजह से, सिर्फ हिंदू सिविलाइजेशन नहीं है इस मुल्क में। आज के इंटरेक्शन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में हो जाए तो ये हम लोगों की भी बड़ी उपलब्धि होगी। मैं स्वामी साहब को बीजेपी में एक इंटेलेक्चुअल मानता हूं, बाकी को नहीं मानता। और अगर इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे तो यकीनन कुछ मुल्क का भला होगा। अच्छा ओवैसी साहब, अब मैं एक अलग तरह का सवाल आपसे पूछता हूं। ये जो देश है, यहां पर 80 से 90 करोड़ हिंदू होंगे इस वक्त, लेकिन इस देश में जो टॉप 3 सुपरस्टार हैं फिल्मों के, तीनों मुसलमान हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सारे हिंदू अपने अपनी फैमिलीज को लेके पैसा खर्च करके टिकट खरीद के उनकी फिल्म देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद क्रिकेट इज लाइक ए रिलीजन। क्रिकेट में जब भी कोई मुसलमान खिलाड़ी इंडिया में आता है, कप्तान भी रहे मुसलमान खिलाड़ी इंडिया की टीम के, उतनी ही ताली बजती है, बड़े शौक से सारे लोग देखने के लिए जाते हैं। इन दोनों में कभी वो नहीं समझते कि ये मुसलमान खिलाड़ी है, ताली नहीं बजानी, ये मुसलमान एक्टर है, इसकी फिल्म नहीं देखनी। वो ज्यादा हिंदू एक्टर से ज्यादा फिल्म चल रही है उसकी। लेकिन जैसे ही वो आदमी मल्टीप्लेक्स से, सिनेमा हॉल से या स्टेडियम से बाहर निकलता है और चुनाव में जाता है, एकदम से उसका चश्मा बदल जाता है। क्या कारण है इसका? वही पहला सवाल आपका, मेरा जवाब वही कि आप पसंद करेंगे मुझे। पर स्टेडियम में उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर, देखिए सिनेमा हॉल में कोई डिस्क्रिमिनेशन सर, मैं यही तो कह रहा हूं। डिस्क्रिमिनेशन कहां होता है? डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में होता है, डिस्क्रिमिनेशन पुलिस के लॉ में होता है, डिस्क्रिमिनेशन जेलों में होता है, और डिस्क्रिमिनेशन करने वाले सरकार हैं। आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाह रहे तो खोलिए स्कूल, आप रिजर्वेशन दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए। और मुझे फिल्म स्टार से क्या करना है? मैं ये चाहता हूं कि कोई मुसलमान हिंदुस्तान से इतना पढ़ लिखे कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज जीत कर आए,
आप बनाइए वो माहौल, आप हम तो कर रहे हैं सर। आप कभी आप सुनील साहब आप मेरे ऑफिस को आए थे जी, आपने पूरे बिल्डिंग्स को देखा हम कैसा काम कर रहे हैं, उसी कैंपस में आपने लिया। हम तो कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश है, मगर जब तक सरकार की तरफ से कोशिश नहीं होगी, और ये जो सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन है हमारे कंट्री में बिल्कुल है, मैं कह रहा हूं आपको, और उसको कैसे तोड़ेंगे आप, कैसे लेकर आएंगे आप, सरकार किसी की भी हो वो तो सिस्टम में तो डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, तो इसी डिस्क्रिमिनेशन खत्म अच्छा, करने के बहुत जरूरी है। आपके इंस्टीट्यूट्स में कितने बच्चे पढ़ते हैं सर? इसमें जो है मेरे ख्याल से कम से कम 6-8 हजार के करीब। ठीक है, उसमें से हिंदू कितने हैं? आर्टिकल 30 के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है यहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 30 पीए इनामदार का केस जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, इसमें कहा गया कि पूरे बच्चों को आपको माइनॉरिटीज के लेना पड़ेगा, और मैनेजमेंट कोटा में इख्तियार है आप ले, मगर वो भी खत्म हो चुका है। तो जब आप आर्टिकल 30 के तहत कोई इंस्टीट्यूट खोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, तो आपको माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखने के लिए आपको पूरे माइनॉरिटीज को देना पड़ता है। तो इसलिए आप बाध्य हैं, आप किसी हिंदू को नहीं दे सकते। अगर आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में आप नॉन माइनॉरिटीज दे सकते हैं तो वेलकम, हम दे देंगे। ये तो सरकार का रूल पोजीशन है। मेरा अपना ये कहना था कि या तो रूल्स डॉक्टर स्वामी एक जैसे हों, ऐसे भी राज्य होंगे, ऐसे भी जगह होंगी जहां हिंदू माइनॉरिटी में है। अब जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में, वहां हिंदू माइनॉरिटी में, मलापुरम वहां जो कश्मीरी पंडित है वो माइनॉरिटी में है, वहां सिचुएशन चेंज हो जाती है। वहां हिंदू माइनॉरिटी को तो उन्होंने भगा दिया है, सारे पंडितों तो अब देशभर में हैं जी, जो कश्मीर घाटी में तो नहीं है, वो 370 यहां से जाने से मना करते हैं, पर वहां से भगाने में कोई रोक नहीं है ऐसा लगता है। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें जाएंगे तो आप जाकर मलापुरम में देखिए जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है और हिंदुओं का हाल क्या है वहां। तो ये यूनिफॉर्मिटी कब आएगी? ये यूनिफॉर्मिटी जब आएगी, जब तथ्यों का सब लोग इन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे अभी मैं बता रहा हूं, इन्होंने कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये सारा इन्हें और बुरा कर दिया है मुसलमान की महिलाओं का हाल। मुसलमान महिलाओं के बीच में जाकर पूछे, पोल आप सीक्रेट पोल कराइए जी टीवी से, मैं कहता हूं कि 90% सपोर्ट करेगी कि ये हाँ ये जाना चाहिए। अब इसमें जाने के लिए जो अब एडिशनल जो क्रिमिनल लॉ लाई है वो ठीक नहीं है, तो अमेंडमेंट मूव करिए, उसको अभी तक पास नहीं हुआ है राज्यसभा में, इनकी मेजॉरिटी अभी तक तो है, तो फिर काय को ये बिल आने नहीं देते। बिल को लाकर बिल लोकसभा में पास हो गई, यहाँ राज्यसभा में पास करने समय ये अमेंडमेंट ला करके उसको बदल सकते थे, पर उसे उस कारण से ये ट्रिपल तलाक ही गलत है। जब हम कहते हैं महिला, ये आर्टिकल 14 की जिक्र कर रहे थे, आर्टिकल 14 में कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो महिलाओं पुरुष के बीच में क्यों नहीं इक्वालिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए, तो मूलभूत हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सारी चीज ऐसे तथ्यों में, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, क्या डिस्क्रिमिनेशन ब्राह्मणों के खिलाफ तमिलनाडु में नहीं है? क्या दूसरे जातियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? जहां तक शेड्यूल कास्ट के लिए हमने जो व्यवस्था की थी वो तो इसीलिए की थी कि 1932 में अंग्रेजों ने साजिश की एक सेपरेट इलेक्ट्रेट शेड्यूल कास्ट को देने के लिए, उसमें गांधी जी बैठ गए अमरन अनशन में और इन्हें उनकी हालत बिगड़ गई थी। तब अंबेडकर ने स्वयं कहा कि अंग्रेजों को कहा कि हमें ये सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं चाहिए जैसे मुसलमानों को दिया गया था, जिससे एक अलग प्रवृत्ति पैदा हुई थी पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे। तब गांधी जी और माधव नरव मालविया ने इसका कहा कि जब हम आज़ाद होंगे तो निश्चित तौर पर शेड्यूल कास्ट के लिए हम एक व्यवस्था करेंगे, उसके अनुसार हम वचनबद्ध हैं, इसीलिए हमने किया। अब बाद में वीपी सिंह आए, उसको बैकवर्ड क्लास को भी ला दी, जिनको मिलना नहीं चाहिए, मुझे लगता है यादवों ने इस देश में राज की, जाटों ने राज की, उनको देना नहीं चाहिए था। अब देने के बाद छीनना थोड़ा कठिन है, आस्ते आस्ते ही हो सकता है, परंतु मैं ये कहूँगा जरूर कि हमारे देश में हर एक प्रकार के, हर एक समुदाय के
डिस्क्रिमिनेशन कुछ ना कुछ होता है। जब मैं बालक था दिल्ली में, मेरे पिताजी आए थे गवर्नमेंट में काम करने, उस समय मद्रासियों के खिलाफ भी होता था। हमारी दुनिया भर की व्यंग होती थी मद्रासी के बोलने से। मद्रासी की बोली में एक डब्बा में चार कंकड़ डाल दो और उसको हिलाओ, वो है तमिल, ऐसा लोग मजाक करते थे। वो सब अब चले गई समय में। तो ये जैसे हमारी बीच में तो आपस में वार्तालाप होते रहेगी तो ये सारी देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ क्राइंग विक्टिम आल्सो, कि मैं विक्टिम हूं और उसके लिए मुझे एक सहानुभूति भी चाहिए, उसके लिए मुझे एक अलग सिस्टम चाहिए या मुझे एक अलग स्टेटस चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के मामले में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले किया है और जो उनके नेता हैं उन्होंने उसको और फ्यूल किया है और ज्यादा भावनाओं को भड़काया है? मैं ये नहीं कह रहा, हिंदुओं के साथ भी यही होता है, भावनाओं को भड़काया जाता है फिर आपसे कुछ काम कराया जाता है। आप इससे सहमत हैं इस बात से? सर देखिए, विक्टिमहुड की आप मिसाल दे रहे हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं सच्चर कमेटी की, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की, कुंडू कमेटी की, एनएसएसओ डेटा की, 2011 सेंसस की। पूरे देश में लिटरेसी रेट हिंदुस्तान का 74% है, 75% करीब, मुसलमानों का 68-69% है और लेडीज में उससे कम है। तो इसकी जिम्मेदार ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही देश में लोग रह रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि आप मदरसे में भेजना चाहते हैं। नहीं सर, नहीं सर, आप वही तो कह रहा हूं, सच्चर कमेटी ने कहा कि अगर जहां पर मदरसे हैं मुसलमान उसमें सिर्फ 4 बच्चों को भेजा रहे हैं, जहां पर स्कूल है कोई नहीं भेजा रहा मदरसे में। आप मदरसों को छोड़ दीजिए, आप स्कूल खोलिए ना, कौन रोकता है आप स्कूल खोलने के लिए? तो विक्टिमहुड का सवाल नहीं है, मैं आपको एम्पिरिकल डेटा की बात कर रहा हूं। अच्छा स्वामी साहब बात करते थे, अभी बात किया उन्होंने माइनॉरिटीज की। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में कहा कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन डिसाइड करे। मैं स्वामी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई 4 साल से आपकी सरकार है सर, 56 इंच की सरकार है, हां एक कश्मीरी पंडित को आप क्यों नहीं लेकर गए श्रीनगर को, क्यों नहीं ले जाते सर? आप सरकार आपकी है, यहां पर भी वहां पर भी सरकार आपकी है, एक कश्मीरी पंडित नहीं लेकर जाते आप क्यों नहीं ले जाते सर? आप मलप्पुरम की बात छोड़ दीजिए, जो कश्मीरी यहां पर बरसों से बर्बाद हो चुके हैं आप लेकर जाइए ना उनको, आप क्यों रोकते हैं उनको? आप तो करिए ना कुछ, आपकी सरकार कुछ नहीं करती। इलेक्शन आया तो फिर आप पंडित का नाम लेते कि देखो निकाल दिया गया उनको। ये विक्टिमहुड है, ये विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स स्वामी साहब और बीजेपी कर रही है। नहीं नहीं, मैं उनको लेकर जाके वहां छोड़ के आ जाऊंगा। अरे सरकार तो आपकी है सर, उनको मार देंगे। सर आपका प्राइम मिनिस्टर है, जिसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसको आपने एंडोर्स किया, जिसको आपने 2G का केस दलवाया, सब करवाया, और वही आपका रैम्बो कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, हमारे रैम्बो तो 70 साल की कांग्रेस रूल के बाद आए हैं, अभी 4 साल में आप करिए ना कुछ, आप तो कुछ करिए सर। आपकी सरकार नहीं कर रही, एक कश्मीरी पंडित को नहीं लेकर जाते आप। पूरा कश्मीर आज क्या हो रहा है देखिए आप, वहां पर आप खुद जानते हैं सर कश्मीर में क्या हो रहा है वहां पर। लेकिन ओवैसी साहब, आपने कुछ साल पहले अपने भाई का स्पीच सुना था? सर भाई का स्पीच तो कोर्ट में केस चल रहा है। नहीं नहीं, और सुनिए, और भाई का स्पीच जो भी होगा कोर्ट डिसाइड करेगा, जेल को गए। मुझे बताइए कि कितने लोगों ने कहा था खबरस्तान शमशान ये हम रिलीफ कैंप इसलिए चलाएंगे कि बच्चे पैदा होंगे, किसने कहा था एक धक्का और दो इस मस्जिद को गिरा दो, किसने कहा था कि क्या यहां पर कल संताल होगा, क्या पत्थर पर बैठेंगे, भारत रत्न दे दिया गया उनको। सर मैं यही कह रहा हूं ना कि डिस्क्रिमिनेशन है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, यही तो डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय या फिर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मानने वाला उनसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जो दलित आदिवासी और मुसलमान है। अब तो स्वामी साहब तो यादवों के रिजर्वेशन के खिलाफ हो गए, ये तो उत्तर प्रदेश में न्यूज चलनी चाहिए जी टीवी पे, ब्रेकिंग न्यूज, स्वामी अगेंस्ट रिजर्वेशन टू यादवास। यस आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन टू यादवास, परंतु मैंने ये भी कहा कि उनको समझा के मैं, क्योंकि एक जमाने में उन्होंने राज किया था तो उनको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे उनको समझा करके, और कोई यादवा मुझे गलत नहीं समझेंगे, आप जान लीजिए, मुलायम आपके अच्छे दोस्त हैं, मुलायम सिंह है, रामगोपाल यादव, ये सारे हैं, तो उनके साथ मैंने काम भी किया, वो अलग बात है। परंतु तो मैंने उनको मुंह पर कहा है कि रिजर्वेशन लेना आपको शर्म आना चाहिए। मैं मुसलमानों को भी कहता हूँ, 800 साल की राज करने के बाद आप रिजर्वेशन मांग रहे हो, तो 800 साल क्या कर रहे थे सर? मैं 800 क्यों नहीं स्कूल खोला सर, उस समय मैं 800 साल क्या करना है,
मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस डॉक्यूमेंट से मतलब है, और इस डॉक्यूमेंट ने मुझसे कहा है कि आर्टिकल 15 और 16 के तहत मुझे मिलना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं इस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट पर बात करिए, आप 800 साल की बात मत करिए। 800 साल का इसीलिए बात कर रहा हूं सर मैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो जब डेमोक्रेसी नहीं थी, आप हमारी डेमोक्रेसी नहीं थी सर, वो हमारे 404 साल के लिए आप परीक्षा ले रहे हैं, मैं आपका 800 साल का परीक्षा नहीं ले सकते सर। आप क्या कर रहे थे? अगर आप 800 साल का लेंगे तो मैं 2000 साल का लोगों कैसा जुल्म हुआ, कैसा बौद्ध मजहब के, आप इसकी बात हमने ठीक किया सर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और आपको देना पड़ेगा मुझे, और मैं लड़के लूंगा इंशाल्लाह। लड़े तो लोकतंत्र में अलाउड है सर। आखिरी के हमारे पास 7-8 मिनट बचे हैं, अगर कोई सवाल है हमारे दर्शकों के बीच में। हाँ शहजाद, नमस्कार, सलाम। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हालांकि मैंने दोनों का विरोध किया है अलग अलग समय पर दोनों के ही बोलने के तरीके से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। ये अच्छी जुगलबंदी जो है, दोनों की अलग अलग है, सुर अलग अलग है लेकिन अच्छी जुगलबंदी है। नहीं, एक चीज दोनों की तारीफ ये करता हूँ कि दोनों ही तथ्यों के साथ बोलते हैं और दोनों ही मेरे पेशे से जुड़े हुए हैं, तो मेरी एक हमदर्दी है लॉयर्स की तरफ। मेरा सवाल ये है, स्वामी जी से मेरा सवाल है कि स्वामी जी राम मंदिर के मामले में बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और उनकी सराहना करता हूं मैं। आपने हाल ही में बयान दिया कि आपकी जो पिटीशन को दीपक मिश्रा जी की बेंच ने बाहर कर दिया, तो आपने कहा कि सरकार के वकील ने मेरी पिटीशन के विरुद्ध एक बात रखी और इसलिए मेरी आई को हटा दिया गया। सर, अगर आपको लग रहा है और आपको खुद को यकीन नहीं है सरकार के मंशा पर राम मंदिर के विषय पर, तो आप उन्हीं की पार्टी से MP क्यों बने रहते हो? आस्था का भी मामला है, पर मैं ये बात भी कहूंगा ओवैसी जी, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है कि कश्मीरी पंडित को वहां ले जाए, उतनी जिम्मेदारी वहां की कौम की भी है कि उनको भी अपना घर लगे। बिल्कुल सरकार राजी है तो क्या करेगा राजी? पहले तो मेरा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं किया गया, जो मेरा पहला पिटीशन था रिट पिटीशन, उसको एक बेंच ने कहा कि ये आप जो वहाँ संपत्ति की जो बहस चल रही है उसमें क्यों नहीं इसको जोड़ देते हैं, तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकता, मुझे मानेंगे नहीं, तो कोर्ट ने उसको कन्वर्ट करके भेजा। तो यद्यपि 18 में से 17 को डिसमिस कर दिया था चीफ जस्टिस ने, मेरे को उन्होंने रिवाइव किया मेरी पिटीशन को और दूसरे बेंच के सामने रखा। इसमें हमारी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने इसका समर्थन किया कि सारे जो इंटरवीनिंग पिटीशन है उसको डिसमिस करना चाहिए। अब इसमें से आप उस पार्टी में, मैं एक मतभेद के लिए पार्टी छोड़ने लगूंगा तो फिर आप देखिए कितने मतभेद होते थे जब आज़ादी के आंदोलन में चल रही थी, सरदार पटेल और नेहरू के बीच में, राजा जी के और अन्य लोग हैं, राजेंद्र प्रसाद के, सोमनाथ मंदिर बनना चाहिए। लोकतंत्र में हम लोगों को सीखना चाहिए आपस में डिवीजन या डिफरेंसेस होने के बाद भी एक ही पार्टी में रहेंगे, यही स्थिर समाज की लक्षण है और इसीलिए इतने साल अटूट कंटिन्यूअसली ये हिंदू संस्कृति आते आई है, क्योंकि हमारे में हम कहते हैं कि सब धर्मों से आप भगवान प्राप्त कर सकते हो, अनेक विचार हो सकते हैं, कोई शिवा को मान सकते हैं, कोई विष्णु को मान सकते हैं, तो आप थोड़ा डेमोक्रेसी सीख लीजिए तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो सकेगी। जी हाँ, आप जो सामाजिक शोषण की बात कर रहे हैं ये अमीरी गरीबी के आधार से होता है या जातिगत होता है? आप मुस्लिम हैं, क्या गरीब राजपूत आपका शोषण कर सकता है? हमारे राष्ट्रपति जी हैं महामहिम, वो दलित हैं, उनका कोई गरीब राजपूत या कोई गरीब क्षत्रिय या कोई ब्राह्मण शोषण कर सकता है? समाज में जितने भी शोषण हुए अमीरी गरीबी के आधार पर हुए, जातिगत शोषण कहीं नहीं हुआ। वैसी जी नहीं, आपकी बात में 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के कई इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट हैं, और अगर वो दलित नहीं होते तो क्या गुना में उनको, क्या गुजरात में मारा जाता उन लोगों को पीट पीट कर, क्या मारा जाता है? सुनिए आप बोल, नहीं नहीं सर, अमीर जो दलित अमीर है वो
वो डीएम है, एसडीएम है या किसी सत्ता की कुर्सी पर बैठा है, उसका कोई शोषण करके दिखा? और जो ब्राह्मण या राजपूत गरीब है और बेरोजगारी करता है, उसका शोषण हमेशा होता है। कैसी बात? मैं अच्छी बात कर रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। आपको कड़वी लग रही है तो सुनिए, मगर हकीकत है। गुजरात में दलितों को मारा गया, पीट पीट कर मारा गया, वीडियो आया। क्या किसी ब्राह्मण को मार सकते? क्या किसी क्षत्रिया को मार सकते? और सुनिए, आप सुनिए, 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 सुनिए सर, सुनिए ना, सुनिए। क्षत्रियाओं की जब बात आई तो पद्मावत पिक्चर रिलीज नहीं हो सकी, पिक्चर रिलीज नहीं हो सकी सर। आप वो बताइए फिर उसका क्या करें। तो यही मैं आप और एक और, अरे मैं आप, आपको सुनना पड़ेगा। आप कभी आ जाइए यहां पर, बैठ जाइए, बहस करेंगे। वहां पर खड़े रहकर आप तकरीर मत करिए। मैं आपको कह रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन है और सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। और अगर नए इकोनॉमिक नहीं है, दलित और अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिया बैठेगा तो दलित को हमेशा कमजोर दिखाएंगे, दलित को हमेशा नीचा दिखाएंगे। सच्चाई हिंदुस्तान की, इसीलिए दलितों के रिजर्वेशन है और रहना चाहिए जब तक ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा। जी अच्छा अच्छा, अब अगला सवाल। जी जी जी, मेरा प्रश्न ओएसी जी से है, और ओएसी जी मैं आपकी वाणी के बारे में बोल रहा हूं, आपके बारे में नहीं बोल रहा, वरना आप मुझे कोर्ट में ले जाएंगे और मुझे स्वामी जी की शरण में जाना पड़ेगा फिर। जी आपकी जो वाणी है वो हमेशा हार्डकोर अफगान फंडामेंटलिस्ट जैसी लगती है, लेकिन आप जब जब दलितों की बस्ती में जाते हैं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं। अभी भी आप दलितों की बात कर रहे थे, तो क्यों ना ये माना जाए कि वोट प्राप्ति के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड यू आर अपॉर्चुनिस्ट। नहीं सर, आपकी बात, मैं आपके ओपिनियन की रेस्पेक्ट करता हूं, मगर आप मुझे ये बताइए अपॉर्चुनिस्ट कौन है जिसने 15 लाख का वादा किया, आपको 15,000 नहीं आए? जिसने कहा था कि कश्मीर में कश्मीर पंडितों को लेकर चले जाएंगे, अभी तक कुछ नहीं किया? जिसने कहा था कि हम पाकिस्तानियों को बिरयानी खिलाएंगे तो हमारे आर्मी कैंप पर आकर हमला करके हमारे सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं? जिसने कहा था कि इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, जीएसटी और नोटबंदी ने तबाह बर्बाद कर दिया। तो सर वो अपॉर्चुनिस्ट हैं जिनके बातों में आकर आपने उनको वोट दिया और आपको धोखा दे दिए। अच्छा नहीं सर, अंबेडकर, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में अंबेडकर महात्मा गांधी से बड़ा लीडर था। जी, जी, जी। और रहेगा मेरे लिए। अब मेरा प्रश्न, अब, मेरा प्रश्न जो है स्वामी जी से है, भाई रुक जाइए एक मिनट, मेरा प्रश्न स्वामी जी से है, एक मिनट माइक के साथ बोलिएगा ना आप, एक मिनट रुकिए भैया, ऐसा तो कैओस हो जाएगा। जी जी जी, मेरा प्रश्न जो है स्वामी साहब से है। स्वामी साहब, आप संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और संविधान के आर्टिकल 15(4) के अनुसार जो आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी में दी गई है उसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर है, ना कि किसने कहां राज किया था। पहली बात मेरा कहना तो है, आपने जो जाटों के ऊपर ये कहा है या यादवों के ऊपर कहा है, तो भाई मायावती ने भी राज किया, उसका भी हटा दो, तो सब चीजों का हटाते चले जाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप केवल एक मिनट, जाट केवल जो सीमा पे खून बहाने और खेत में पसीना बहाने के लिए हैं, उनके बच्चे अफसर नहीं बनेंगे क्या? बिल्कुल। अच्छा, हम दोनों करता हूं आपकी बात। चरण सिंह भाई, चरण सिंह कोई सेना में मर्दी नहीं हुए थे, वो ज्ञानी थे और देश के प्रधानमंत्री बने। जी 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 मैडम बोलिए, ये आखिरी सवाल है। जी से मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। हमारा देश बहुत खूबसूरत देश है और बड़े प्यार से हम सब रह रहे हैं आज की तारीख में। मुसलमान और कहीं भी इतने खुश नहीं है जितने कि हिंदुस्तान में खुश है। पर ओवैसी जी मेरा कहना है कि आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर आप इस इशू को जिंदा ना रखें। आपका काम ही हिंदू मुसलमानों को के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहे और आपकी कुर्सी बनी रहे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं ये कह रही हूं, पर मुझे कहना पड़ रहा है। नहीं, आप शर्मिंदा मत होइए मैडम। क्यों शर्मिंदा होते आप मेरी तरफ से? अल्लाह आपको भी खुश रखे। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि यकीनन अगर हम यहां खुश हैं तो किसी के रहमो करम पर खुश नहीं है। हम खुश हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, जो हमको उम्मीद दिलाता है, जो हमको हक दिलाता है,
तो मैं आपके रहमोकरम पर या स्वामी साहब के रहमोकरम पर खुश नहीं हूं। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी वजह से आप खुश हैं। नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं मानता इस बात को। अब सुनिए, सुनिए बिल्कुल, मैं तो इस सरकार से खुश नहीं हूं, आप खुश हो सकते हैं। मैं मोदी साहब से खुश नहीं हूं, मैं वो प्रधानमंत्री जरूर है, आप खुश हो सकते हैं, मगर आज सुनिए मैडम, आज इस देश का नौजवान को धोखा दिया गया है, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली हैं, आज इस देश के लोगों को धोखा दिया गया, मैं खुश नहीं हूं, आप खुश हो सकते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, आप खुश हो सकते हैं। स्मॉल सेक्टर इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, आप खुश हो सकते हैं। आपको खुशी मुबारक, मुझे मेरे गम की फिक्र है, मेरी मुसीबत की फिक्र। एक सेकंड सर, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। कश्मीरी ब्राह्मण को जब निकाला गया, आप उसको व्यवस्थित वहां ले जाने के लिए आपका कुछ प्रयास हो रहा है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ सर, मैं होम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं होम मिनिस्टर नहीं हूं। जिस दिन खुदाना खास्ता बन गया, मैं आपको बिठाकर सब पंडितों को लेकर जाऊंगा। सरकार आपकी इनसे पूछिए, 4 साल से एक कश्मीरी पंडित को लेकर नहीं गए, आपने इनको वोट दिया, 4 साल से सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे चाचा, जिंदा रखने के लिए चाचा, आपको बताऊं कि आपका चाचा, आप बहुत बड़ा चाचा, आप इनका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? आप हिम्मत से बोलिए कि मोदी ने कुछ नहीं किया कश्मीरी पंडितों के लिए, आप डर के बोल रहे हैं। ओएसी साहब, एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूं कि आप बार बार संविधान को उठाते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं कि मैं इसका पालन करता हूं, और जब महिलाओं के हक की बात होती है, जब ट्रिपल तलाक की बात होती है, तो आप इकाई, आप लोग कोर्ट में उसको विरोध करते हो, और क्या क्या दलील देते हो आप लोग? क्या आपको संविधान उठाने का हक है? जो आप 50% देश की महिलाओं के हक की जब बात होती है, तो आप लोग क्या क्या दलील देते हैं कोर्ट के अंदर इस बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने आपके सारे टीवी डिबेट्स देखे ट्रिपल तलाक के दिनों में, और जहां आपका दोहरा चरित्र था, आप मुस्लिम महिलाओं को, मेरी बहनों को, हम हिंदुओं को जो 80% है, उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल कितने साल पहले अडॉप्ट कर लिया, लेकिन आप लोग अपनी महिलाओं को हक नहीं दे सकते। आपकी बात में कुछ सच्चाई नहीं है, आप हकीकत से बैर हैं, आप पढ़ते नहीं हैं कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, अब आप सुनना पड़ेगा, अच्छा, सुनना पड़ेगा, सुनिए सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, जवाब सुनिए मेरी बहन। अरे एक मिनट, सुनिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट ठहरिए, मुझे जवाब दे लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 15 का ये लॉ वायलेट करता है, ये लॉ सुनिए, अब सुन तो लीजिए ना। दूसरी चीज, आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी एक शहर में आप एक मुस्लिम महिलाओं का कॉल करिए, मैं भी अकेले आता हूं, देखते हैं कितने आपकी बात पर निकलते हैं। चलिए चलिए चलिए, ये सेशन हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप सबकी तरफ से एक सवाल मैं ओवैसी साहब से पूछ लेता हूं आज। आप अपनी पार्टी से हिंदू कैंडिडेट को कब टिकट देंगे? पहली बार बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आराम से बैठिए। सुधीर चौधरी साहब जी, आप नहीं जानते कि औरंगाबाद, हैदराबाद छोड़िए, औरंगाबाद में मेरे 27 कॉरपोरेटर में से 7 दलित कॉरपोरेटर हैं। आप ये नहीं जानते कि हैदराबाद में 45 कॉरपोरेटर में से मैंने एक जनरल सीट पर कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को हराया। आप ये भूल जाइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या पकौड़ा बेचना एम्प्लॉयमेंट है? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सेशन हम समाप्त कर रहे हैं। जी एक मिनट सर, थैंक यू सो मच, आप यहां आए।